तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो सॉरी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही टाइम के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट काइंड ऑफ फंस गया था कोरोना में और थोड़ा वर्कलोड भी था। सो अब व्लॉग्स मैं ट्राई करूँगा, फ्रीक्वेंटली आएंगे। और आज का जो व्लॉग मेनली होने वाला है वो एक मेरे प्री वर्कआउट पर होने वाला है, एंड वो प्री वर्कआउट का नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा। सो क्विकली आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आज मेरा चेस्ट सेशन है IES, सो इंटेंस चेस्ट सेशन होने वाला है भाई। सो करेंटली आई एम एट माई फ्रेंड्स होम, देव हाय। सो ये कुछ हेल्प कर देंगे मेरी, रिकॉर्ड पकड़ लीजिए देव भाई। सो दिस इज़ द प्री वर्कआउट आई एम यूजिंग, प्रो सब्स का हाइट टेस्ट सर्ज है। बेसिकली ये प्री वर्कआउट नहीं है, ये प्री वर्कआउट के साथ टेस्ट इनहेंसर भी है, टेस्टोस्टेरोन इनहेंसर। ये बेसिकली कंपटीशन के समय लेते हैं एथलीट्स, बट आई एम यूजिंग इट जस्ट फॉर मतलब यू नो न्यू एक्सपीरियंस। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसे मैं जिम में ही लूँगा, क्योंकि अभी ले लूँगा तो जिम यहाँ से मेरा हाफ एन आवर दूर है। सो इसीलिए इसे जिम में यूज़ करूँगा मैं। लेट्स मीट यू देयर। करेंटली आई एम एट द जिम बाय द वे, राइट नाउ आई एम इन ओडिशा एंड आई एम वर्किंग आउट हेयर इन झारसुगुड़ा। सो क्विकली आपको मैं इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। और इसका फ्लेवर है पाइनएप्पल मैंगो, एंड दिस इज़ हाइट टेस्ट सर्ज। एक हाइट एक्सट्रीम भी आता है और एक और हाइट भी आता है नॉर्मल वाला, ये हाइट टेस्ट सर्ज है। और क्विकली मैं आपको इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स बताता हूँ। एक स्कूप 11 ग्राम्स का है और ये 30 सर्विंग्स वाला कंटेनर है, जो 30 सर्विंग्स ही आता है। और इसके बाकी सप्लीमेंट फैक्ट्स इसके जो है वो क्वाइट ईजी है जानने के लिए। इसके स्ट्रेंथ एंड पावर मैट्रिक्स के लिए इसमें एल-सिट्रुलिन, एस्पेरेट डाला है, बीटा एलानिन है, क्रिएटीन, हाइड्रोक्लोराइड है, आर्जिनिन सिलिकेट इनोसिटॉल है, एंड स्टिम्यूलेंट एनर्जी मैट्रिक्स है, मतलब बेसिकली जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसके लिए कैफीन डाला है। टोटल कैफीन के ही सब है, कैफीन मैलेट, कैफीन एनहाइड्रेट, सब कैफीन मैट्रिक्स है। और टेस्ट मैट्रिक्स जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उसमें इन्होंने डाला है डाइंडोनिल मिथेन, शोडिन अश्वगंधा एंड बोरॉन, एंड फोकस के लिए डाला है। सो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, बाकी अभी वीडियो में आप देखेंगे। एंड हाँ, उससे पहले MRP है 5000 इन द मार्केट। सो ये मैंने लास्ट बार जो प्री वर्कआउट का मैंने ये किया था रिव्यू शेयर किया था, उसमें थोड़ा टिंगलनेस था, जैसे फ्रीक का बता रहा हूँ बिग मसल का। इसमें वैसा कुछ टिंगलनेस नहीं है, ना इचीनेस कुछ नहीं होता। हाँ, जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मुझे थोड़ा फोकस मिलता है, थोड़ी एनर्जी फील होती है, थोड़ा और कंसंट्रेशन रहता है वर्कआउट में, इसके अलावा मुझे यही फील होता है। बाकी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में भी मेरी पावर इंक्रीज़ कर रहे होंगे, एंड बाकी डाइट भी रहती है। सो इतना तो पता नहीं चलता, बट हाँ ये प्री वर्कआउट फोकस और मुझे कंसंट्रेशन देता है मेरे वर्कआउट के टाइम पे, दैट्स फॉर श्योर। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, इसमें लिखा है कि इसको 20-30 मिनट्स पहले लेना चाहिए, बट पता नहीं मुझे 20-30 मिनट्स पहले लेना ठीक नहीं लगेगा। और वैसे भी जिम आते आते मुझे 30 मिनट्स वैसे ही हो जाते हैं, और अभी वॉक करूँगा 5-10 मिनट्स तो मुझे 10 मिनट्स में हीट कर जाता है, मैं इसी चीज़ में कंज्यूम करता हूँ। ओके, एक हीट इन द वाटर। ओके, सो लेट्स टेक इट। सो हियर आई एम टेकिंग हाफ स्कूप ऑफ इट। आपको ज़्यादा लेने का मैंने तो ज़्यादा ले सकता है, बट आई एम टेकिंग हाफ स्कूप ऑफ इट। यस, विट लॉक, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो भाई। एंड आई एम नॉट दैट बैड, आराम से पानी मिला के इसलिए पीने में। ऑलवेज अ टेस्ट कोई अच्छा नहीं है, बट तभी आई डोंट फील लाइक दैट।
रियल इंटेंस वर्कआउट और उसी के साथ साथ भूख लग गई है एंड आई नीड टू टेक माई पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक टू. सो घर निकलते हैं एंड विद दैट आई टेक माई लीव ऑल्सो. और आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मुझे और कौन से प्री वर्कआउट या और कौन से सप्लीमेंट पे रिव्यू देना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं सब अपने जो भी लाइफस्टाइल या अब बोल सकते हैं डेली रेगुलर अपडेट्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहता हूँ या स्टोरी बताता हूँ रिलेटेड टू डाइट रिलेटेड टू सप्लीमेंट मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा. एंड विद दैट आई टेक माई लीव. ओके बाय.